राजस्थान दौसा कोरोना ने तीजी लहर दस्तक आपी दीधी छे। मळेली माहिती अनुसार दौसा जिल्ला में 345 बाळको कोरोना संक्रमित थया छे। त्रीजी लहर की आशंका ने लईने तंत्र पण सतर्क बन्यु छे। जे बाळको कोरोना की चपेट में आव्या छे तेमनी उमर 0 થી 18 વર્ષ વચ્ચેની છે। આ આંકડો 1 મે થી 22 મે વચ્ચેનો છે। જિલ્લાના સીએમએચઓ એ આ મામલે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે 345 બાળકો કોરોના સંક્રમિત છે, પરંતુ દરેકની સ્થિતિ સ્થિર છે અને ત્રીજી લહેરને લઈને આરોગ્ય વિભાગને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે। કે ના કે વો બીમાર હે, ઉનકો કોવિડ પોઝિટિવ આયા હે ઓર બીમાર હે, ઇલાજ ચલ રહા હે, તો એસા કોઈ ભી બચ્ચા રિપોર્ટેડ નહીં હે। जब हम हज़ारों के सैंपल लेते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव आते हैं, 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पॉजिटिव आ सकते हैं। और जो हमारी आरबीएस की टीम जो दक्ष है बच्चों को ट्रीटमेंट देने के अंदर, उनको टीम के साथ दवाइयां भी देखी जाती हैं। हालांकि अभी तक एक भी केस हमारा रिपोर्टेड नहीं हुआ है कि जो बीमार की संज्ञा में आता हो, जो एडमिट हुआ हो और जिसको कोविड का इलाज चला हो, इस तरह का एक भी केस दौसा ज़िले के अंदर अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है। रही बात इसकी कि सैंपल पॉजिटिव आने का, जब टीमें जाती हैं सैंपल लेने के लिए तो निश्चित रूप से बच्चों के भी सैंपल लेते हैं, वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं। और ये कहना कि तीसरी लहर आ रही है, दस्तक दे रही है, ये मैं नहीं कह सकता। और अभी तक तीसरी लहर की कोई संभावना किसी तरह की नहीं है, क्योंकि एक संक्रमण है जो परिवार में अगर किसी को हो रहा है तो औरों को भी संक्रमण हो सकता है। और लोग बीमार, एडल्ट बीमार हो सकते हैं, बच्चों के अंदर बीमार होने का एक भी सैंपल अभी तक हमारे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ।